कहेंगे, आपको अपील करेंगे और मुझे यकीन है कि जिस तरह आपने हमारी आवाज़ पर चंद लम्हों के अंदर लब्बैक कहा, कल पूरे आबताब के साथ मुकम्मल तैयारी के साथ मुल्क के आवाम और तमाम सियासी जमातों के कारकुन वो रोडों पर होंगे। इस समय अपोजिशन की तमाम जमातों के जिम्मेदारान यहाँ मौजूद हैं और उनकी मशावरत के साथ हम ये ऐलान कर रहे हैं कि अगर सुबह तक हमारे साथी इंतहार न किया गया, मुकदमात वापस न लिए गए, तो हम कल 9 बजे के बाद मौलाना अगर ऐसा ना हुआ तो फिर क्या एक्शन होगा? मैंने कह दिया था कि अगर सुबह तक रिहाई न हुई सबकी, तो हम 9 बजे के बाद दोबारा सड़कों पर आने के लिए ऐलान कर देंगे और दोबारा हम मैदान में आएंगे और लोग उससे ज़्यादा बेहतर जज्बे के साथ और बेहतर तैयारी के साथ सड़कों पर आ सकते हैं। मौलाना फजल रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सुबह 9 बजे तक रिहाई ना हुई तो दोबारा सड़कों पर आएंगे। अभी फिलहाल एहतजाज का सिलसिला जो है वो खत्म कर रहे हैं। अब जो हुकूमत लापता होने वाली है उसकी फिक्र करो, जैसा कि मौला साहब ने फरमाया, क्योंकि अचानक ये कारकुनान जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के कारकुनान जो है ना निकल आए, जिससे तमाम और हजार जो भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उनका तारीफ आवाम से होता है। आवाम की ऐसा तकलीफ को मद्देनजर रखते हुए सुबह 9 बजे तक हमने मौलाना साहब ने जिसका ऐलान किया है, मैं भी हिंदुस्तान मुस्लिम पार्टी के कारकुनों को हिदायत जारी करता हूँ, सुबह 9 बजे तक का इंतजार करें और जैसे ही सुबह 9 बजे ऐलान होता है तो भरपूर तैयारी के साथ। मौलाना यहाँ पे अपोजिशन में जब लोग थे वो पार्लियामेंट पे हमला करते थे, आज हुकूमत में है तो पार्लियामेंट के लिए उसे हमला कर रहे हैं, मुख्तसर हम क्या कहेंगे? तो ये फसादी कितना गर्व, कभी पार्लियामेंट पे हमला करते हैं, कभी कोर्ट पे हमला करते हैं और अभी उन्होंने लॉजिक पे हमला किया है। ये सरकारी सरपरस्ती के वजाहत के साथ कहते हैं, ये जो सही और असल हकायक हम तक पहुँचे हैं, यहाँ से कोई सत्तर आदमी उनके ताजिब नहीं हुए, जिनको यहाँ गेट के ऊपर इजाज़त नहीं मिली वो सब के सब वापस चले गए, 10 से 12 आदमियों को इजाज़त मिली और वही अंदर गए हैं और उन्हीं की मौजूदगी को बहाना बनाकर पूरे इस्लामाबाद की पुलिस का लश्कर वहाँ पर धावा बोल दिया और हमारे तमाम एमएलएस को और किसी को जख्मी किया, किसी को पकड़ कर ले गए, घसीट कर ले गए। तो ये सारी सूरत हाल एक रियासती दहशतगर्दी के अलावा और पुलिस गर्दी के अलावा और कुछ नहीं है। मौलाना क्या आप अंसारुल इस्लाम की सूरत में रियासत को चैलेंज कर रहे हैं? अंसारुल इस्लाम जमीयत उलमाए इस्लाम के रजाकारों का दस्तूरी शोबा है और उसी दस्तूर के शोबे के साथ हमारी जमात रजिस्टर्ड है, तो इस हवाले से अंसारुल इस्लाम का हवा बनाकर बहाने न तलाश किए जाएं, सियासी पार्टी को पीछे धकेलने के लिए दहशतगर्दी तुम करते हो और हमारे प्रमुख कारकुनों पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाते हो, शर्मानी चाहिए हुक्मरानों को, ये सबसे बड़े खत्तागर हैं। ऐसे हुक्मरानों को हमने मैदान में निकल कर कारकुन पूरे जोश जज्बे के साथ मैदान में आकर इंशाल्लाह इनको समंदर पूर्ण करेंगे। इंशाल्लाह।